शिक्षा और समाज और वो भी इतना व्यापक विषय कि इसके तार कहां कहां खुलेंगे और किस तरह बंद होंगे अभी मालूम नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा अभी के जो बातचीत को आगे ले जा रहे होंगे साथियों से, हमारे आदरणीय प्रोफेसर आनंद जी, आदरणीय पवन कुमार गुप्ता जी और आदरणीय कैलाश कांडपाल जी, उनसे निवेदन है कि आप लोग मंच की ओर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बातचीत की चौहद्दी तो नहीं रख पाऊंगा, पर मैंने इस सत्र की तैयारी के लिए बहुत सारे साथियों को मेल किए और बहुत सारे सर्वे किया कि प्रश्न क्या हो सकता है। मैं उन प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो सारे तो समाहित नहीं कर पाऊंगा, पर कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो प्रश्न शायद आप लोगों को बातचीत करने में मददगार होंगे। पहला प्रश्न तो मेरा ये है और जो स्वाभाविक है जिस टॉपिक भी है कि शिक्षा और समाज का आपसी रिश्ता क्या है, कैसे देखा जाए इस रिश्ते को। ये सहज प्रश्न है क्योंकि टॉपिक से ही उभरता है। क्या समाज शिक्षा को गढ़ता है या शिक्षा समाज को गढ़ती है? समाज की जहां टेंडेंसी होती है ठहराव की या परिवर्तन का विरोध करने की, वहीं शिक्षा की टेंडेंसी होती है कि बदलाव कैसे लाया जाए। तो इस टेंशन को कैसे देखा जाए, तो एक सहज सवाल जो लोगों से आया है, मेरे मन में भी आया, वो एक आपके सामने इसको रखना चाहता हूं। और जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं इसको रखना चाहता हूं कि शिक्षा, मैं अभी उसको शिक्षा नहीं अभी कह रहा हूं कि जो हम लोग खेती किसानी ये जो काम है करते हुए सीखते हैं, समाज में रहते सीखते हैं, मैं उसको अभी जो अनायास होता है उसको शिक्षा की अभी की परिभाषा में नहीं रख रहा हूं। अभी शिक्षा सुविचारित सयास जो प्रयास है उनको शिक्षा के दायरे में रख रहे हैं। तो ये जो सयास प्रयास है, सुविचारित प्रयास है, इसका और समाज के रिश्ते को कैसे देखा जाए, एक प्रश्न ये मन में आता है। जो मेरे साथ पढ़ता था, आईटी में निकला और अभी दुबई में जॉब करता है, उसके बारे में समाज में ये छवि है कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा निकला। अर्थात कहां से निकला, जहां हम हैं वहां से जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या यही परिकल्पना की थी? ऐसा क्या हुआ कि मेरी वो इज्जत नहीं है समाज में क्योंकि मैं निकल नहीं पाया उस जगह से, और उसकी बहुत इज्जत जो निकल पाया? और इतना ही नहीं, वो निकलने वाला भी बहुत गौरव का भाव महसूस करता है। पेरेंट्स भी बड़े अच्छे कहते, बहुत अच्छे निकले, और उस स्कूल की भी बड़ी तारीफ होती, उन्होंने बहुत अच्छा निकाला, अर्थात उस जगह से निकाल डाला। तो क्या यही समाज की परिकल्पना की थी? तो ये शिक्षा ने मेरे को ऐसा कैसे गढ़ दिया, एक सवाल ये है व्यक्तिगत स्तर पे। समाज स्तर का एक सवाल और रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि मेरे गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया जा रहा है, और या मेरे गांव का जो विकास का मॉडल बनाया जा रहा है वो लगातार ये है कि मेरे गांव में सड़क आ जाए, मेरे गांव में बिजली आ जाए, मेरे गांव में पानी आ जाए। सड़कें तो ऐसी है जैसे खून ले जाती हूं अंगों की तरफ, और हार्ट उसका शहर है। और गांव में अगर एक लौकी पैदा होती है तो वो लौकी बेचने गाड़ी से लेकर के शहर आता है और शाम को मैगी का पैकेट वापस ले जाता है। तो मेरे गांव की जो विकास का जो मॉडल है, आदर्श ग्राम का जो मॉडल है, ये थर्ड ग्रेड शहर क्यों बन रहा है? तो ये शिक्षा ने मुझे कैसा ढांचा दिया है, कैसी परिकल्पना दी है कि मुझे जो गांव बढ़िया बनाना है वो थर्ड ग्रेड शहर बनाना है? और शहर का जो मॉडल है वो स्मार्ट सिटी है। तो ये स्मार्ट सिटी का मॉडल कहां से पनपा है, ये कैसा शहर हम लोग बनाना चाहते हैं? तो मेरी और मेरे समाज की परिकल्पना क्यों ये लीनियरिटी में, क्यों ये रैखिक कि सारा जो विकास होगा वो तब होगा जब गांव से मैं शहर आ जाऊंगा, शहर से महानगर में आ जाऊंगा, महानगर से मैं उस तरफ जाऊंगा जो कभी सत्ता में रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? दूसरा सवाल मेरा ये है। तो ये मेरे तीन सवाल किस तरफ के हैं,
चौथा डायमेंशन मैं जरूर लाना चाहूंगा क्योंकि शिक्षा में काम करता हूँ, बहुत सारे शिक्षक मित्रों से जुड़ता हूँ, तो वो क्लासरूम से रिलेटेड है। जब हमने ऐसे समाज की परिकल्पना की कि हमको लोकतांत्रात्मक समाज चाहिए, हमको ऐसा समाज है कि विवेकवान व्यक्ति पैदा हो, तो ये क्लासरूम की प्रक्रिया ऐसी क्यों है कि दिन भर गुरुजी की तानाशाही चलती है और बच्चे शासित होते रहते हैं? तो कैसे वो बच्चा पैदा हो जाएगा कि जो वो लोकतंत्र के लिए फिट होगा? तो क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण का हमारा कोई ढांचा ऐसा नहीं बन पाया, अगर हमारी डिजायरेबल सोसाइटी थी कि वो शिक्षक ये जो उसका तानाशाही रवैया है वो छूट करके दोस्ताना नजरिए में बदल पाता? दूसरा, क्लासरूम के पूरे दिन की प्रक्रिया ऐसी क्यों रहती है कि शिक्षक पूरे दिन बोलता है और बच्चे सुनते हैं? शिक्षक पूरे ज्ञान को ट्रांसफर करना चाहता है, ज्ञान सृजन की कोई प्रोसेस नहीं होती है, तो ऐसा कैसे हो गया पूरे शिक्षण प्रक्रियाओं में? दूसरा सवाल ये है। और तीसरा सवाल कि जो लोग बहुत मेहनत से भी काम कर रहे हैं स्कूलों में, वो गणित को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हिंदी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, उसको व्याकरण आ जाए, पर गणित क्यों पढ़ानी है, वो हिंदी क्यों पढ़ानी है, उसकी तार्किकता कैसे विकसित होगी, उसके सोचने की क्षमता कैसे विकसित होगी, इस तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो क्या किया जाए? तीसरा सवाल मेरा ये वाले पार्ट में है जो क्लासरूम रिलेटेड है। और चौथा सवाल है कि दुनिया में जिस पूरे उपभोगवादी संस्कृति की तरफ हम जा रहे हैं, जितने हम लोग विनाशवादी हथियारों की तरफ जा रहे हैं या बिलगाववादी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि क्या ये शिक्षा ने इसको रचने में कोई भूमिका अदा की है क्या या नहीं की है? लगता तो ऐसा कि जो इस दिशा में वो सारे पढ़े लिखे ही लोग हैं, वो अनपढ़ तो नहीं है या इस शिक्षा से बचे हुए तो वंचित तो नहीं है। तो क्या किया जाए, क्या विकल्प है इस शिक्षा का कि जैसे डिजायरेबल वांछित समाज हम चाहते हैं उस दिशा में कैसे बढ़ जाए? तो मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ज्यादा देर बात न करते मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कैलाश कांडपाल जी को कि अपनी बातचीत रखें। एक तो सवाल अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और काफी विचारणीय सवाल है, इसमें काफी बात होनी चाहिए। दूसरा, ये जो विषय है ये भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि शिक्षा समाज को बदलती है या समाज शिक्षा को, ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा और उसमें ऐसा होगा शायद कुछ कि हम अपनी बात कर रहे होंगे लेकिन अधिकतर सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और वो सवालों के साथ शायद आपको जाना होगा और कुछ खोजने होंगे उनके उत्तर भी, क्योंकि उनके उत्तर भी मेरे पास तो नहीं है। तो अगर समाज और शिक्षा, तो पहले मैं इन दोनों शब्दों को समझना, क्योंकि मैं समाजशास्त्री नहीं हूँ और अपनी तरफ से समाज को समझने की कोशिश की है मैंने, तो समाज को अगर मैं देखूं तो समाज मेरे को लगता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसमें इंटरेक्शन है, आपस में कुछ इंटरेक्ट करता है किसी तरीके से और कोई कॉमन थ्रेड है उससे वो बंधा रहता है, कोई कॉमन थ्रेड है वो उसको बांधता है, वो कॉमन थ्रेड रिलीजन हो सकता है, वो कॉमन थ्रेड एक ज्योग्राफी हो सकती है, भौगोलिक परिस्थिति हो सकती है, वो कॉमन थ्रेड कोई पॉलिटी हो सकती है, पॉलिटिकल लॉन्ड्री हो सकती है, तो कोई कॉमन थ्रेड है उसको बांधता है। लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस मैं समझने की कोशिश करूं, अगर जब मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था, अगर इसे कॉम्प्लिकेशन समझे तो अगर मैं अपने आप को मानव समाज का समझूं, व्यक्ति मानव समाज के तौर पर अपने को देखूं, तो फिर मैं मानव समाज में देखूं तो मैं भारतवर्ष का हूं, भारतीय हूं, तो मेरे भारतीय होने के अलग मायने, उसकी अलग विशेषताएं, तो मानव समाज से मेरे को एक अलग से ला के रखती है कि नहीं, मानव समाज का तो है लेकिन किस हिस्से का है। फिर अगर मैं भारतीयता को देखूं तो फिर उसको मैं उत्तराखंड का हूं, तो फिर उत्तराखंड के होने के मायने हैं मेरे, भारतीय होने के साथ फिर उत्तराखंड होने के कुछ मायने हैं। फिर समाज में एक परत और आती है मेरे पास, उत्तराखंड का हूं तो फिर क्षेत्र विशेष का हूं, किसी जिले विशेष का हूं तो फिर एक परत और अलग से आती है, फिर उसके बाद जिले विशेष का हूं तो किसी विशेष रिलीजन का हूं एक परत और आती है, फिर उस रिलीजन का हूं अगर तो किसी जाति का हूं एक परत और आती है, उस जाति में भी हूं तो कोई आर्थिक स्तर है मेरा, उस स्तर किसी स्तर को किसी स्ट्राटा को बिलोंग करता हूं तो एक परत ये आती है। तो ऐसे ये इस तरह से है समाज,
समाज जो है बहुत एक वेब है, कई तरीके से उसमें इंडिविजुअल कई रोल्स में है, कई तरीके से उसको देखा जाता है। अब यह समाज को अगर हम देखें तो इस समाज की एक कोशिश रहती है कि समाज अपने आप को रिप्रोड्यूस करे। कुछ जो बात चल रही थी कल यहाँ भी, विरासत की बात चल रही थी कि कोई विरासत होती है उसकी और उस विरासत को वो रिप्रोड्यूस करे। तो समाज का एक इंस्टीट्यूशन होता है शिक्षा, या सब सिस्टम कह सकते हैं उसको आप, वो ये काम को करता है कि वो जो मूल्य हैं, जो मूल्य समाज ने लिए हैं अपने लिए, या जो यात्रा से उस मूल्यों तक पहुंचा है, उन मूल्यों को बचाए रखे। तो ये काम शिक्षा करती है। तो शिक्षा जो है वो मूल्यों इसमें, अब ये शिक्षा अगर हम देखें तो जो बात जगमोहन भाई कह रहे थे कि शिक्षा एक गत्यात्मक विमर्श है, वो एक ठहरी हुई चीज नहीं है। वो यूं नहीं है कि शिक्षा इतनी मिल गई उसके बाद वो स्टॉप हो गया। उसमें कुछ मूवमेंट्स रहते हैं और उन मूवमेंट्स के जरिए समाज इवॉल्व होता है, समाज का विकास होता है, फिर वो कुछ मूल्यों को छोड़ता है, कुछ नए मूल्य लेता है। तो इस बात में मैं जगमोहन भाई के सारे सवालों में आऊंगा मैं इसी विमर्श में। तो पहला सवाल जो समाज और शिक्षा का रिलेशन वाली बात का सवाल था, तो उसका उत्तर मुझको इस बात से दिखता है कि ये शिक्षा इस तरीके से काम करती है। अगर हम इस शिक्षा को भी देखें तो ये शिक्षा भी विस्तृत है। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल जो बात वो कह रहे थे कि सोचा समझा तरीका, तो एक तो एक इनफॉर्मल सिस्टम है जहां पर कि इन मूल्यों को, इन विरासत को लेने में परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। परिवार उस शिक्षा को दे रहा होता तो उसको हम इनफॉर्मल शिक्षा के दायरे में रख सकते हैं। और एक फॉर्मल सिस्टम भी होता है जहां पर स्टेट है, अधिकतर पावर उसको कंट्रोल करती दिखती है, तो वो फॉर्मल एजुकेशन होता है कि फॉर्मली हम एक वांछित समाज की ओर को कैसे ले जाएं लोगों को, एक फॉर्मल सेटअप होता है। अगर हम फॉर्मल सेटअप की बात करें तो फॉर्मल सेटअप में जो शुरुआत होती है, जो मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत होती है, वो आपको नजर आएगी ये औपनिवेशिक शिक्षा का दौर जब से शुरू होता है। उससे पहले भी शिक्षा का सिस्टम है लेकिन फॉर्मल स्टेट स्पॉन्सर्ड जैसा सिस्टम नहीं है। अगर आप औपनिवेशिक शिक्षा के दौर पर जाएंगे, जिसकी कहानी मैकॉले से शुरू होती है और वुड्स डिस्पैच से उसको थोड़ा सा शक्ति मिलती है, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है मॉडर्न एजुकेशन का, तो वहां से एक तरीका, एक शुरुआत होती है। और ये औपनिवेशिक शिक्षा, आप देखिए आप समाज में कैसे इसका फर्क पड़ रहा है, ये औपनिवेशिक शिक्षा एक नया नोशन लाती है। नया नोशन क्या ला रही है कि यूरोपीय सभ्यता बढ़िया सभ्य और ईस्टर्न सभ्यता असभ्य, भारतीय सभ्यता असभ्य, इसका नोशन ला रही है। अगर मैकॉले के मिनट्स आप देखे हैं तो काफी बहस उन्होंने इस बात पे की है कि भाई क्यों यूरोपियन साहित्य और जो एंग्लिसिस्ट जो आइडिया है वो क्यों बेहतर है। तो ये वहां से बिल्ड होता है, तो वहां से एक नजरिया समाज को मिलने लगता है कि जो यूरोपीय लोग हैं वो ज्यादा डेवलप्ड हैं और जो भारतीय लोग हैं हमको अभी बहुत कुछ इनसे सीखना है। तो ये औपनिवेशिक मानसिकता आती है और शिक्षा से समाज भी प्रभावित होता दिखता है। और एक दूसरी बात, जिस बात के ऊपर जगमोहन भाई इशारा कर रहे थे, जिस बात का सवाल उन्होंने पूछा है कि ये क्यों निकाल दिया वाला जो बात बुला रहे थे, उसमें ये है कि अगर आप औपनिवेशिक शिक्षा की एक खास बात देखें तो औपनिवेशिक शिक्षा कहाँ की उपज है, तो औपनिवेशिक शिक्षा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की उपज है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो नगरीय सभ्यता आ रही है तो प्रो अर्बन पूरी एजुकेशन है, जो एजुकेशन है वो प्रो अर्बन है कि अर्बन जो सोसाइटी है वो सभ्य है और जो रूरल सोसाइटी है उसको अर्बन के चीजें सीखनी चाहिए। और एक असम्मान का भाव अगर आप उस मॉडर्न एजुकेशन में देखें तो अपनी विरासत, अपने परिवेश के लिए एक असम्मान का भाव, अगर आप ग्रामीण हैं तो एक असम्मान का भाव भी यह शिक्षा देती है और इससे अभी हम नहीं हट पाए हैं।